19। अवर्धन नहर में 9 दिनों के बाद बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम बच्चे को खोजने के लिए प्रयासरत थी। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिन पहले एक पिता ने अपने 3 बच्चों को अवर्धन नहर में फेंक दिया था, जिसकी तभी से तलाश जारी थी। बता दें कि अवर्धन नहर में करनाल के गांव सिरसी के पास ये शव मिला है। बच्चे की शिनाख्त 8 वर्षीय शिव कुमार के रूप में हुई है। शव को कब्जे में लेकर मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। अब गोताखोरों की टीमें 2 अन्य बच्चों की तलाश कर रही हैं। उम्मीद जग गई है कि दोनों बच्चों के शव भी मिल जाएंगे। वहीं टीमों ने पश्चिमी यमुना नहर व पैरेलल नहर के अलावा रोहतक भालोट नहर में भी सर्च अभियान चलाया, लेकिन 2 बच्चों का कोई सुराग नहीं लग पाया। बता दें कि पैरेलल व पश्चिम यमुना नहर के अंतिम छोर हैदरपुर दिल्ली में स्क्रीन लगी हुई है। इसमें नहर के पानी में बहते हुए तिनके भी तस्वीर स्क्रीन पर साफ दिखाई देती है। इस संबंध में थाना कुंजपुरा प्रभारी मुनीश कुमार ने बताया कि वे हैदरपुर निगरानी पॉइंट पर लगातार संपर्क कर रहे हैं। उधर बच्चों की माँ और दादा दादी का रो रो कर बुरा हाल है। बताते चले कि 3 दिन के पुलिस रिमांड पर चल रहे तिहरे हत्याकांड के आरोपित सुशील कुमार से पुलिस गहन पूछताछ कर रही है। इससे पूर्व आरोपित के 1 दिन के पुलिस रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद उसे जेल भेज दिया गया था। फिर से पुलिस ने उसे सोमवार को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया था। जारी थी, इनमें से 3 बच्चे थे, 7, 5 और 3 वर्षीय। इसमें जो 7 वर्षीय लड़का था बड़ा, वो कल सिरसी नहर से थोड़ी सी सिरसी पुल से आगे मिला, तो उसका अभी पोस्टमार्टम करवाया गया। तो 2 बकाया बच्चे हैं, उनके लिए तलाश जारी है। एनडीआरएफ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें अभी भी फिलहाल भी सर्च पर अभियान पर लगी हुई हैं और कोशिश की जा रही है कि उन्हें जल्द से जल्द तलाश किया जाए। ये कहाँ से बरामद हुआ लड़का? सिरसी नहर पुल से थोड़ी सी आगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.